Welcome all my dear online students. So in the previous session we have discussed up to sample paper 8. आज के session में हम लोग discuss करेंगे final solution master course का sample paper 9. इसमें भी काफ़ी अच्छे questions थे and I hope आपने पहले paper solve करा होगा and you are eagerly waiting for the answers कि आखिर हमने कितने सही करे हैं, कितने गलत करे हैं, plus किस तरह से कहाँ पर हम लोग छोटी मोटी चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन विथ क्वेश्चन नंबर 1. इन एच लाइक स्पीसीज, एच लाइक स्पीसीज का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन. एच के पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, एच ई के पास दो होते हैं, एच ई प्लस के पास एक हुआ, एल आई के पास 3 थे, एल आई प्लस 2 के पास एक हो गया, बोरॉन के पास 5 थे, बी प्लस 4 के पास एक हो गया. ठीक है ना. फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स from an orbital having two radial and two angular nodes to the orbital having same sign of wave function in all direction at any distance. सबसे important चीज़ तो language ही होगी कि अगर हमें ये meaning ही नहीं समझ में आया है कि हो क्या रहा है, वो कहाँ से कहाँ jump मार रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं. इफ एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज दिस द स्पीसीज इज. अब एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन मतलब डेफिनेटली डी एक्साइटेशन हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है. तो सबसे पहले हम लोग N2 और N1 के बारे में बात करें, फिर एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा ई का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. है ना, इससे हमें फिर क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. तो अब N2 के लिए कि वो कहाँ से आ रहा है, कंडीशन दी है जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिटल हैविंग टू रेडियल नोड. है ना, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो चुका है. रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है N-L-1. ठीक है ना, दो रेडियल नोड हैं और दो एंगुलर नोड हैं. एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L. तो अगर दो एंगुलर नोड हैं तो L की वैल्यू तो हो गई 2 आपकी. ठीक है, और अगर रेडियल नोड भी दो हैं तो N माइनस L की वैल्यू 2 है माइनस 1, दैट मीन N की वैल्यू हो गई 5. तो N2 हमें पता पड़ गया 5. ठीक है ना, अब ये बेसिकली 5D हो गया. अब कौन सा D है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है ना, डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी एक्स जेड हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, डी जेड स्क्वायर हो, इससे कोई लेना देना नहीं है. इनफैक्ट ठीक है ना, 5s हो, 5p हो, 5d हो, ठीक है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है. 5s, 5p, 5d, 5f, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ की एनर्जी केवल और केवल n के ऊपर डिपेंड करती है ना. यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो JEE में खैर पुराना पूछा भी जा चुका है. ठीक है, कि फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी 5s, 5p, 5d, 5f का एक ऑप्शन में चारों इक्वल दे देगा, एक में 5s लेस देन 5p लेस देन 5d लेस देन 5f, एक में ग्रेटर देन दे देगा, एक में कैन नॉट डिटरमाइन दे देगा. तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इन चारों की एनर्जी सेम होती है. ठीक है, यहाँ पर भी मुझे पता है कि स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है एग्ज़ाम में जाके, वो एन प्लस एल रूल लगा देता है. एन प्लस एल रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कभी भी आपको एन प्लस एल नहीं लगाना है, एन लगाना है, और एन सबका सेम है. तो एन टू तो हमें पता पड़ गया है, अब वो आ रहा है आपका ठीक है ना, हैविंग उस ऑर्बिटल में आ रहा है हैविंग सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन इन ऑल डायरेक्शंस एट एनी डिस्टेंस. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन जैसे ही उसने दे दी है बेटा, ठीक है ना, क्रॉस चेक आप कर सकते हो, बट इससे ये केवल और केवल 1sc हो सकता है, केवल और केवल 1sc हो सकता है. क्यों, अगर वो 2 में भी आता, मान लीजिए 2 में आता, मैंने तो 1 ले लिया है, सपोज करो 2 होता तो 2 में आपका 2s भी हो सकता था, 2p भी, है ना. 3 में आता तो 3 में तो आपको पता ही है क्या क्या हो सकता था, 3s, 3p, 3d, 4 में आता तो 4s, 4p, 4d, 4f, सब कुछ हो सकता था. ठीक है,
तो इस वजह से अगर उसने बोल दिया है कि उस ऑर्बिटल में आ रहा है जिसमें सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन इन ऑल डायरेक्शन है एट एनी डिस्टेंस, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल कि वो 1s ही होगा। तो दो इतने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके कवर हो रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, इनके तो फॉर्मूले भी हमारे हो गए, एनर्जी कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, अब तब भी मान लीजिए अगर हमें कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो 326.4 इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/3, ठीक ना, n1 स्क्वायर माइनस n2 तो कन्फर्मली 5 हो चुका है, तो -1/25। ठीक है, अगर मैं ये डेसिमल हटा के इसको इससे डिवाइड करने की कोशिश करूं, 136 का डबल, सबसे पहले 2 बार ही जाएगा, 136 का डबल 272, और 272 मैंने यहाँ से हटाया तो मेरे पास बचा 54, है ना, 272 को हटाया तो 54 बचा, और 4 ये रहा 544, तो 136 का 4 टाइम सीधे सीधे आपका 24 बन रहा है। ठीक है, एक बात समझ में, तो अब आपकी इक्वेशन बन रही है 24 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/25। ठीक है, 25 का फैक्टर आते ही मान लीजिए अगर आपको 1s क्लिक नहीं करता है तो 25 का फैक्टर आते ही एक पॉसिबिलिटी और आपको समझ गई कि b प्लस 4 हो जाता तो वो मैच हो जाता आपका। ठीक है, 24 होते ही वो आपका एक ऑप्शन और समझ में आ रहा है कि b प्लस 4 होते ही z की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 5। z 5 हो गया अगर, ठीक है ना, z 5 हो गया अगर, मैंने मान लिया है, मान लीजिए आप एग्जाम में नहीं सोच पाए, अब मैं वो तरीका बता रहा हूँ, z 5 माना तो 5 का स्क्वायर 25, ये रहा 24/25। अब 24/25 अगर आपको 1/n1 स्क्वायर -1/25 को करना है तो n1 की वैल्यू डेफिनेटली 1 ही हो सकती है और कोई पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए और कुछ नहीं आ रहा है बेटा, ये तो मैंने आंसर बता दिया, आप Li+2 को लेख के देख लो, Li+2 को लोगे आप अगर, तो Li+2 को लोगे तो आप z की वैल्यू कितनी रखोगे, 3, 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9, और 3 का स्क्वायर अगर 9 हो गया तो ये हो गया आपका 24/9, और 24/9 तो क्या है आपका 1 से काफ़ी बड़ा है, इनफैक्ट क्लोज टू 3 है, क्या ये वैल्यू कभी 3 के बराबर या 1 से बड़ी हो सकती है, मैं तो सीधे सीधे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है किसी भी वैल्यूज के लिए, ये तो एक सीधा सीधा फैक्ट आपको याद हो गई, आप चाहे n1 को 1 और n2 को 2 लेके देख लीजिए ताकि आगे कभी नया क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में आए तो मेंटली प्रिपेयर रहें। अगर मैंने n1 को 1 लिया और n2 को 2 ले लिया तो 1/1 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। ठीक है, अब आपने 3 भी लिया होता तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, तो वो हो जाता कितना आपका 8/9, 4 लिया होता तो 15/16। ठीक है, तो कभी भी चाहे आप n1 को 2 ले लो और n2 को आप ले लो 3, एक और क्रॉस चेकिंग के लिए बता दे रहा हूँ, तो 1/2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, यू कैन सी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9-4 इज 5, 5/36। तो इतना ध्यान रखना कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ रहा है तो JEE सर का आशीर्वाद लेके जाना कि वो बोनस है आपके लिए, एनर्जी वाला क्वेश्चन, स्पीशीज पहचानने वाला क्वेश्चन, कि उनमें कुछ लॉजिक लग ही नहीं सकता बेटा, उनमें एक फिक्स लॉजिक है, ये वैल्यू 1 से छोटी है ये हमें पता है, जेड अननोन है, केवल एक ही पॉसिबल ऑप्शन हो सकता था जेड 5 हो और n1 आपका 1 हो, वैसे तो मैंने पहले लॉजिक बताया है, बट लॉजिक के अलावा मैंने गंदी अप्रोच भी बताई है आपको, इसे मैं गंदी अप्रोच ही बोलूँगा बेटा ना, क्योंकि हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता, हमें तो बस आंसर चाहिए, सीधी सी बात है, एग्ज़ाम में JEE के पेपर में मुझे केवल आंसर चाहिए, मेरा सीधा सीधा पर्पस ये है, सही आंसर, ताकि मैं अपने 4 नंबर उससे ले सकूं। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन कवर हुई थी, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन अटका भी होगा। अब ध्यान रखना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हमसे कभी भी अटकना नहीं चाहिए,
कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। एच ई प्लस को सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, जेड की वैल्यू 2 हो जाती, 2 का स्क्वायर 4, उल्टे 6 हो जाता। तो मैंने पहले ही बोल दिया ये वैल्यू 1 से छोटी होनी है, वहीं पर कहानी आपकी ख़त्म हो गई। तो लॉजिक भी ध्यान रखे, और कभी लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, एग्ज़ाम में प्रेशर में आ जा रहे हैं, तो फिर एक दूसरी अप्रोच आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल होनी चाहिए कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल फ्रॉम लिथियम टू सीजियम शेयर्स द फॉलोइंग फीचर्स, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ना हमें पता है बेटा कि सभी एल्कली मेटल अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल से लूज करेंगे और हाइड्रोजन गेन करेगा, तो LiH, NaH, पोटेशियम का पोटेशियम हाइड्राइड, रूबीडियम का हाइड्राइड और सीजियम का हाइड्राइड। हमसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। पहला, ऑल आर वाइट एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ वेरी वेल करेक्ट। एल्कली मेटल्स के कंपाउंड कलरलेस होते हैं बेटा, अगर इनका कलर आ रहा है जैसे Na2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, KMnO4 पर्पल कलर का होता है, तो ये कलर एनायन की वजह से आता है, ठीक है ना। एनायन में या तो DD ट्रांसफ़र होगा या चार्ज ट्रांसफ़र होगा लिगेंड टू मेटल, बट यहाँ पर एच भी आपका किसी तरह का कुछ एक्साइटेशन वगैरह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि H माइनस का मतलब क्या हो गया, इसके पास एक ही ऑर्बिटल था, दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक्साइट डी एक्साइटेशन वाला कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। तो वाइट इसलिए हैं क्योंकि कलरलेस हैं, और क्रिस्टलाइन क्यों हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स के तो सभी कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट जब हम लोग पढ़ते हैं तब ये बात करते ही। नन ऑफ द हाइड्राइड फॉर्म होना चाहिए ना, फ्रॉम आ गया बाय मिस्टेक, फॉर्म पॉलीमेरिक कोवालेंट ब्रिज बॉन्ड्स, तो ये तो बिल्कुल सही है बेटा, इनमें सबका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। पॉलीमेरिक ब्रिज तो बनते हैं किस किस में, BH2 में बनता है, BH2 डाइमर भी बनाता है, पॉलीमर भी बनाता है, ठीक है ना। BH3 में बनते हैं बनाना बॉन्ड से, ये भी अपना डाइबोरेन B2H6 बनाता है, बट एल्कली मेटल के हाइड्राइड्स में किसी का भी पॉलीमेरिक कोवलेंट ब्रिज बॉन्ड वाला कंपाउंड नोन नहीं है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब देखिए ना, अगर आप दो स्टेटमेंट में भी कंफर्टेबल हो गए हो कि दूसरा भी आपको सही नज़र आ रहा है, मान लीजिए हो सकता है दूसरे में कन्फ्यूज़न हो तो तीसरे को सोचिए, क्योंकि अगर सिंगल करेक्ट आंसर है तो आपका आंसर अगर दो सही हो गए फिर केवल ऑल ऑफ द अबव ही हो सकता है। तो अगर आप दूसरे में कंफर्टेबल नहीं हो तो तीसरे को सोचिए, मतलब एनी टू स्टेटमेंट्स भी आपने जस्टिफाई कर लिए, क्योंकि हो सकता है माइट बी एग्ज़ाम में बैठ के है ना हमें तीनों स्टेटमेंट ना याद रहे, कहीं हम भूल जाए। जैसे थर्ड वाला तो बिल्कुल ईजी है, क्यों है ईजी, LiH लिथियम छोटा है बेटा, सीजियम बड़ा होता जा रहा है, LI छोटा है सीजियम बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगी वो LiH का क्रिस्टल काफ़ी मजबूत बनेगा, लैटिस एनर्जी इसकी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी आपको पता ही है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लैटिस एनर्जी इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R2। तो चार्ज तो सबके लिए सेम है, बट R की वैल्यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ R, R का मीनिंग है डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन और एनायन, जो भी हो, ये R प्लस है और ये R माइनस है, तो R माइनस तो सबके लिए सेम है, बट R प्लस सबसे छोटा लिथियम के लिए, तो उसका लैटिस सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, इसलिए वो आपका थर्मल स्टेबिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आप खुद ही जस्टिफाई कर सकते हो, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया D, ऑल ऑफ द